दोस्तों, जब कुछ करना हो तो करो। हम सभी अच्छे विचारों से भरे हैं, लेकिन शायद ही उन्हें हम कभी भी अभ्यास में लाते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे फेमस पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड से आज एक विश्व प्रसिद्ध फैशन कंपनी बनाई है, जिससे वे आज विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट की, जिन्होंने एलोन मस्क को पीछे छोड़कर रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल प्राप्त कर लिया है। आज हम ये भी जानेंगे किन व्यापारों की वजह से बर्नार्ड अर्नोल्ट हर एक मिनट में 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा रुपए कमाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं द हिंदी बायोग्राफी। बर्नार्ड अर्नोल्ट का जन्म 5 मार्च 1949 को रूबेक्स, फ्रांस में हुआ था। बर्नार्ड का पूरा नाम बर्नार्ड जीन एटाइन अर्नोल्ट है। एक व्यवसायी के बेटे के रूप में जन्मे अर्नोल्ट को युवा उम्र से ही तेज व्यापार कौशल प्राप्त हुआ था। 10वीं पूरी करने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित इकोले पॉलीटेक्निक में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में स्नातक होने के बाद वह अपने पिता के कंपनी में शामिल हो गए और उन्होंने अपने पिता के सिविल इंजीनियरिंग व्यवसाय में एक इंजीनियर के रूप में 5 वर्ष तक काम किया और कंपनी के विकास और विस्तार के लिए योजना भी शुरू की। उन्होंने अपने पिता को अपने व्यवसाय के साथ साथ रियल एस्टेट्स में भी व्यवस्था करने के लिए राजी कर लिया और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। बर्नार्ड की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी 2 बार शादी हुई थी। उनकी दूसरी पत्नी पियानिस्ट है। सन 1973 में उनकी पहली शादी एन डेवाब्रिन से हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, और 1991 में पियानिस्ट हेलन मर्शियर से उनकी दूसरी शादी हुई, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। उनकी बेटी लुई बैटन LVMH कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है, जो फैशन गुड्स का काम करती है। 1987 में LVMH कंपनी मार्केट में आई। उन्होंने इस कंपनी के शेयर खूब खरीदे और कंपनी के पहले शेयर होल्डर बन गए। उनके पास LVMH कंपनी की लगभग 48% शेयर होल्डिंग है और उन्होंने एक कंपनी बनाने की सोची, जिसमें पॉपुलर ब्रांड शामिल हुए। बर्नार्ड अर्नोल्ट कहते हैं कि व्यवसाय में हमेशा लंबे समय के लिए सोचना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने कई सारी कंपनियों को खरीदना शुरू किया। उन्होंने क्रिस्टन डायर ब्रांड और ली बोन मार्चे डिपार्टमेंट सेंटर के मालिक बने और 1985 में डायर कंपनी के CEO भी बन गए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनी LVMH बनाई। ये कंपनी वर्ल्ड लग्जरी चीज़ें बेचती है। उन्होंने परफ्यूम फॉर गर्लिन, लोबे, मार्क जैकब, सेफोरा, थॉमस पिंक जैसी कंपनियां खरीदी। इनके इस कंपनी के 75 ब्रांड हैं और इनके 4,590 स्टोरेज दुनिया भर में हैं। फिलहाल बर्नार्ड की कुल संपत्ति बढ़कर $19,230 करोड़ यानी कि करीब 14 लाख करोड़ रुपए हो गई है। एक अमीर व्यक्ति होने के साथ साथ बर्नार्ड अर्नोल्ट एक दयालु दिल के भी व्यक्ति हैं, जिन्होंने अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में लगी फायर्स को रोकने के लिए $11 मिलियन देकर मदद की। अर्नोल्ट एक फिलान्थ्रोपिस भी हैं। इनकी कंपनी LVMH कल्चरल, आर्टिस्ट और ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ावा देती है और यही उनकी फाइनेंशियल सक्सेस की नींव है। अपनी काबिलियत की वजह से उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। उन्हें 2007 में फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर और 2011 में फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर का ब्रांड ऑफिसर बनाया गया और 2011 में उन्हें बुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉलर से कॉरपोरेट नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्नोल्ट मानते हैं कि पैसा सिर्फ हमारे काम का एक परिणाम है। मैं हमेशा अपने टीम से कहता हूँ कि कभी भी मुनाफे की चिंता ना करो। अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो लाभ तो होगा ही होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।